नमस्कार, स्वागत है आपका पार टॉक में। हर हफ्ते आपको हम उद्योग जगत की सफलता की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। आज जिस शख्स से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी काफी अजीब रही है, या यूं कहें ग्लोब ट्रॉटर नेचर से हैं, लेकिन फिलहाल एक ऐसी कंपनी को लीड कर रहे हैं जो विश्व में बीपीओ के मामले में दूसरे स्थान पर आती है। हम बात करें WNS होल्डिंग्स के ग्रुप सीईओ केशव आर मुरुगेश की। आज उनकी ही जिंदगी से कुछ पल हम चुराएंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर इस शख्स के पीछे की कहानी क्या है। हाय केशव, हमें पता काफी व्यस्त रहते हैं, पर आपकी जिंदगी से कुछ पल हम चुराएंगे आज। ये बताइए कि ये सफर की शुरुआत कैसी हुई, क्योंकि हमने देखा है, काफी लोगों से बातचीत किया है कि बाय नेचर आप ग्लोब ट्रॉटर हैं, काफी जगह घूम चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां कहीं भी जाते हैं घूमते तो हैं, साथ में बड़े बड़े डील्स भी स्ट्राइक करते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई सफर की? अरे बहुत बहुत दिन पहले हुआ था। बाय बैकग्राउंड आई एम एक्चुअली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, बट इंटरेस्टिंगली आई हैड नो इंटरेस्ट इन आइदर अकाउंटिंग, taxation or any of those areas, and I was actually a pretty good businessman. I sold TVs, I sold generator sets, I was in shipping and clearing and forwarding business, and I never read the CA magazine. And unfortunately for me, maybe fortunately, my mother once read the CA magazine and asked me to apply for a job in a company called ITC Limited, because she came from Calcutta and she loved that name. I applied. I was very fortunate that particular time I got selected by ITC Limited, and I actually joined a job which paid me much less than what my business was already paying me. And since then, I think it's history. I was super confident because I didn't need the job, and maybe that's why I got the job. And I spent time in all the most risky businesses one could think of. I always chose the riskiest business to be in. And I helped that company create a number of new businesses that did very well in the beginning. Later on, years later, also, you know, did very badly. But along the way, I kept learning. और इससे मेरा लंबा सफर शुरू हो गया था। तो यार यूं कह सकते हैं कि आप रिलक्टेंट सीए थे, रिलक्टेंट सीएफओ थे, अब रिलक्टेंट सीईओ भी हैं। या यूं कहें कि इतनी बड़ी कंपनी आपने जो शुरू की है, काफी सारे लोग आपको रास्ते में मिले होंगे। सबसे बड़ी बात है, बीपीओ सेक्टर में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रिट की जरूरत पड़ती है। क्या कुछ सहना पड़ा इस सेक्टर में सर्वाइव करने के लिए आपको? एक्चुअली मेरे ख्याल से बीपीओ सेक्टर इज अ वेरी वेरी हेल्थी सेक्टर फॉर द लॉन्ग टर्म। इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल बिग बिजनेसेस फॉर इंडिया, कैन कंटिन्यू टू ग्रो मच बिगर देन इवन द आईटी बिजनेस लॉन्गर टर्म। एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट the business has moved away from very simple low end kind of work to much higher end kind of work. So today in BPO we recruit chartered accountants like me, we recruit engineers, we recruit doctors, we recruit PhDs, and that is the future of this business. जाहिर तौर पे काफी सारे बड़े लोग जुड़ रहे हैं बीपीओ स्ट्रीम से, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो आप काफी बड़े क्रिकेट घराने से भी आते हैं। पिताजी के पास पहली वजह आप ये बात लेके गए कि आपको ठीक है सीए में जाना है, लेकिन जैसे जैसे आपने मूव किया है सीए फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन सीए से बीपीओ में आना, क्या कुछ ऑपोजिशन आया होगा उन लोगों से? वैसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे फादर को सीए के बारे में कुछ समझते नहीं थे, तो इट वॉज वेरी इजी फ्रेंकली। और उसके बाद बीपीओ कभी सुना ही नहीं दिया उनको, तो ही रियलाइज आई वॉज एक्चुअली यू नो गेटिंग इन टू अ वेरी क्रिएटिव न्यू बिजनेस फॉर द कंट्री, एंड सो ऑलवेज विद पेरेंट्स यू ओनली गेट ब्लेसिंग्स, एंड आई ऑलवेज गॉट माई ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। जाहिर सी बात है ब्लेसिंग्स काफी मिली है, लेकिन इस सफर के दौरान सर्वाइव करने के लिए कहते हैं कि तमाम जितने भी सीईओज हैं वो ग्रुप में मूव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ग्रुप रहती है जो टेंस ऑफ इयर्स साथ रहते हैं और काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इस दौरान भी आपको कुछ लोग मिले होंगे जो इस नए सेक्टर को आप की तरह जानते होंगे, तो कितना साथ मिला उन लोगों का? चूंकि हमने देखा है न सिर्फ परिवार बल्कि कलीग्स की भी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है इस पोजिशन में आने के लिए। लाइफ में अगर सक्सेसफुल रहने का है तो यू हैव टू रिमेम्बर योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स ऑल थ्रू, एंड इन फैक्ट इन माई रूम राइट नाउ टूडे आई हैव सम कलीग्स हू वर्क विद मी अक्रॉस द ईयर्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हैव ऑल्सो बीन फ्रेंड्स। दीज आर ऑल लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, दीज आर ऑल पीपल यू नो हू अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्सट्रीमली वेल, एंड अनफॉर्चुनेटली माई रूम इज स्मॉल, आई कैन ओनली फिट फोर ऑफ देम इन हियर, बट आई हैव मेनी मोर यू नो हू हैव वर्क विद मी एंड हू आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ इंटरेक्टिंग विद, एंड आई कैन टेल यू दीज आर पीपल हू हैव हेल्प्ड पोजिशन मी एज अ लीडर, हू हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट आई हैव टेकन द राइट डिसीजन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हैव मेड श्योर दैट यू नो द कंपनी हैज ऑलवेज बीन पोजिशन इन अ बेटर एंड बेटर वे अक्रॉस द ईयर्स।
तो यूं कहें कि जिस शख्स के लिए इस सेक्टर में आना, जिसे ये भी नहीं पता कि आखिर बीपीओ सेक्टर होता क्या है, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना. लेकिन जिस तरह से साल दर साल पोजीशन दर पोजीशन ऊंचाई बढ़ाते रहे हैं, इनके पीछे भी जाहिर तौर पे कुछ लोग हैं. हम उनसे आपको मिलवाते हैं कि आखिर इनकी शख्सियत के और भी कौन कौन से पहलू हमें जानना जरूरी है. तो पहले मुझसे ये पूछिए कि मैं केशव साहब से मिला कहाँ. तो मैं केशव साहब से पहली बार मिला यूएस में, कहाँ, लिफ्ट में. तो केशव साहब जब भी यूएस आते थे तो कोई ना कोई उनको लंच के लिए लेके जाता था, मैं भी लंच के लिए लेके जा रहा था. तो मैं पूछा कहाँ जाएंगे. मेरे हिसाब से खाने की डेफिनेशन थी फुल थाली मील. वो बोले बाजू में पिजेरिया चलते हैं. बोला स्नैक्स नहीं खाना अपने को, लंच के लिए जा रहे हैं. तो मैं बोला चलो लंच के लिए जाते हैं. तो बोले यूएस में यही लंच है. एंड दैट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए लंच की डेफिनेशन पूरी थाली थी. तो दैट वॉज द डे प्रॉब्ली आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये भी लोगों का लंच होता है. दैट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग विथ हिम एज अ सीएफओ एंड आई वॉज वेरी जूनियर. आई वॉज सरप्राइज विद द कम्फर्ट इज हेयर दैट फीलिंग विथ मी. तो वेरी इजी पर्सन टू डील विथ. बट अगर अपन पर्सनैलिटी की बात करें, वेरी डिफिकल्ट बॉस बट वेरी इजी इंडिविजुअल टू हैंडल. तो आप जब केबिन में जाओगे आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होंगी उसको मीट करना बहुत भारी है. ये ऐसे इंसान है जिसके साथ आप थोड़े साल काम करोगे, थोड़े दिन काम करोगे, वो जो एक ट्रस्ट रहता है इनका हमारे ऊपर, और जो हमें जो लगता है कि उस ट्रस्ट के हिसाब से हमें वी शुड नॉट लेट हिम डाउन बोलते हैं, तो वो जो है इस चीज में ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग टू डिफाइन इन इनवर्टेड. जिस तरह से जो भी काम करते हैं इनके, बहुत काम रहते हैं. कई समय ऐसा होता है कि हम बातें करते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं, कभी कभी टेम्पर कहीं लूज हो जाता है या कूल खो बैठते हैं. बट इनकी एक खास क्वालिटी है कि हमेशा एकदम शांति से कूल से डिस्कशन को आराम से सुनते हैं और वो माहौल को एकदम बिजनेस एनवायरनमेंट बना देते हैं. आई थिंक यही कुछ खास बातें हैं कि आज ही इज देयर वेयर ही इज टुडे. ही इज वेरी स्ट्रेट एंड ही एक्सपेक्ट्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट इज द वर्च्यूज दैट ही लुक्स फॉर इन पीपल एंड ही देन बैक्स द पीपल टू द हिल्ट. इन फैक्ट he's backed a lot of people in the company to give them the confidence that sometimes they didn't think that they had, and he does that in a very understated way. Keshav ki ek khasiyat hai, Keshav kabhi tension nahi hota hai. Wo 10-15 cheez ek saath kar sakta hai. And as a colleague, I've known him for the last 10 years, right? And I've worked with him in the past, and then I moved on to other jobs, and when he moved to this job and when he called me, it's a great लीडरशिप क्वालिटी दैट फर्स्ट यू ट्रस्ट द गाय. केशव, काफी मुश्किल होता है एक ऐसे सेक्टर में सर्वाइव करना, हालांकि आपके पास काफी अच्छे लोग काम करने के लिए हैं, लोगों को कन्विंस कर पाना कि बीपीओ को भी सीरियसली लिया जाए. क्या आपको लगता है अभी के वक्त में इस सेक्टर को लेकर लोगों की धारणाएं बदलनी चाहिए? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है, वेरी हाई अपॉर्चुनिटी बिजनेस भी है, और इंडिया में काफी लोग समझते हैं कि ये बहुत लो एंड बिजनेस है. वो दिन सब चले गए. अभी लाइक आई सेड अर्लियर, वी आर एम्प्लॉइंग पीपल हु आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, वी हैव मूव्ड अप द वैल्यू चेन, वी आर हैंडलिंग सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस फॉर द बेस्ट कंपनीज वर्ल्ड वाइड. आई एक्चुअली थिंक दैट एवरी यंगस्टर शुड नाउ एम टू ज्वाइन बीपीओ कंपनीज. आई ऑल्सो बिलीव दैट पेरेंट्स, टीचर्स एंड काउंसलर्स should now advise youngsters that this is a great option for them. To some extent, I would say far better than even the IT option. If you look at the growth projections now coming for BPO, they are now far higher than even IT. So huge potential. हमेशा एक मानसिकता लोगों की होती है बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस. कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप बैक ऑफिस में ही काम करते हो, ये एक मानसिकता. और विदेशों में हमने देखा है इंडिया को स्पेस शॉप माना जाता है. क्या यह बदल रही है लोगों की धारणा? हम लोग काफी करने गए ये बीपीओ के रीब्रांडिंग के बारे में हम लोग अभी कर रहे हैं. बट आई थिंक बाय रीब्रांडिंग द इमेज ऑफ द इंडस्ट्री एंड अलाउिंग पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नो मोर बैक ऑफिस, वी आर एक्चुअली सेलिंग टू इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, वी आर एक्चुअली सेलिंग फ्रॉम इंडिया. एंड वॉट द वर्ल्ड अंडरस्टैंड एज बीपीओ इज वॉइस, वेर इज इंडिया हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम जस्ट वॉइस. फ्रॉम वॉइस वी हैव मूव्ड टू डेटा, from data we move to finance and accounting, from finance and accounting we move to analytics, and we are going on climbing the value chain. So the definition of BPO in India now is very different to how the rest of the world understands BPO.
चलिए, लोगों की मानसिकता बदल रही है, परिभाषा बदल रही है बीपीओ की, लेकिन जिस सैकड़ों से हजारों और लाखों में बढ़ते सेना के सेनापति बने हुए केशव, जानना जरूरी है किस तरह से काम होता है। आपको लिए चलते हैं केशव की कर्म भूमि में और देखते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद। के उस जगह पे जहां हम कह सकते हैं कर्म भूमि की ये नर्व सेंटर होती है, कोई भी बीपीओ प्रोसेसिंग सेंटर के बिना नहीं काम कर सकती। यहां पहुंच चुके हैं, यहां तमाम लोग मौजूद हैं, पर यहां ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस लीडरशिप क्वालिटी की कुछ देर पहले उनके कलीग बात कर रहे थे, यहां पर आकर इन बच्चों में किस तरह से वो इंस्टॉल करते हैं। केशव, काफी मुश्किल है बच्चों को लीड करना, क्योंकि बीपीओ के नाम पर वैसे ही लोगों के पास एक अलग अलग धारणाएं होती है। Actually, not that difficult, because first of all, our selection process is very difficult. We choose people who are very motivated, who want to make something of themselves in life, and then we have some excellent programs inside the company to make them perform. So that is not a problem at all. But I think the big opportunity that I saw for myself a few years ago was when I was offered this role, and I realized that this company is a great company, had a great brand, great people, wonderful culture, but had lost its way. दो तीन साल से उन लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गया था, एंड मैंने बोला कि अरे दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वंस अगेन कम इन एंड टर्न अराउंड द फॉर्च्यून्स ऑफ सच अ ग्रेट कंपनी एंड बिल्ड रिस्पेक्टेबिलिटी फॉर ऑल दीज पीपल एंड फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज वॉट हैज नाउ बीन डन इन अ ईयर एंड अ हाफ। वी आर बैक ऑन द ग्रोथ पाथ, वी आर among the top two BPO companies in this country. We have moved up the value chain in creating lots of new offerings for clients, and more importantly, we are creating most exciting opportunity for all these young people and people who are outside of this room to grow within this business. पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप बीपीओ में काम कर रहे होते हैं, आपने बताया कि सीएस काम कर रहे, डॉक्टर्स काम कर रहे, लीगल प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, तब पर बीपीओ को लेकर अभी लोग थोड़े बहुत सहमे रहते हैं। इस बात को लेकर क्या कोई कंसर्न आपको दिखता है जब आपके एचआर मैनेजर जाते होंगे लोगों को साइफन ऑफ करने के लिए, किन्हें लेना है किन्हें नहीं लेना, जो क्वालिटी ऑफ पीपल यू गेट, इज इट द राइट वे? Absolutely. So the one concern we have had is essentially that in the past India has focused a lot on the IT business and have presented the information technology business as a business that actually employs engineers and people with higher qualifications, and somewhere have not focused enough on the fact that all of us in the BPO business actually are now moving the business to a completely different level and employing people who are far more qualified than even engineers, right? And I think what we have to do is to focus on now rebranding the message around the Indian BPO industry. We have some solid plans there. We are doing it, both the industry body as well as individual companies are doing it, and I can tell you the future of the BPO business from India is extremely bright. Company ko lekar aage भविष्य में क्या प्लान्स रहेंगे आपको, क्योंकि आपकी फुटप्रिंट्स काफी जगह पहले से ही मौजूद है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? इस समय हम लोगों के पास 25,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और राइट नाउ वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम 30 डिफरेंट डेवलपमेंट सेंटर्स इन 9 कंट्रीज। वी आर नाउ ऑपरेटिंग इन इंडिया फ्रॉम 5 or 6 डिफरेंट लोकेशंस। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम श्रीलंका, from the Philippines, from Costa Rica, from Romania, from the UK, South Africa, and very recently we have also opened a new center in the US as well. So clearly the opportunity for growth is there. We are aggressively investing in the growth of WNS. We are also looking at new opportunities that are possible for us in China as well as South America. So true global footprint in terms of locations. In addition to that, we are very focused on the key businesses that we must be in, as well as adding value added services, so that we are continuously becoming much more valuable to our clients. और हमने देखा है कि बहुत लोगों को चाइना से डर रहता है, बीपीओ में स्पेसिफिकली फिलीपींस से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ से बिजनेस उस ओर शिफ्ट हो रहा है, क्या इस बात का कोई खतरा आपको फिलहाल दिख रहा है? नहीं, वैसे तो हम लोग एक ग्लोबल कंपनी है, सो वी आर ऑल्सो हैविंग ए फिलीपींस लोकेशन। इनफैक्ट लास्ट ईयर वी वन दी
award for the fastest growing BPO in the Philippines also, right? What we have to understand is that the Philippines has 92 million people, produces about 500,000 graduates a year and 65,000 accountants. The supply in the Philippines will always be far lower than what India can provide, and therefore the opportunity for India in this business will always be very high. Having said that, because they have a natural American accent and the empathy factor in the Philippines is very high, it has emerged as a very good destination for voice-based businesses. But like I said before, India has progressed well beyond just voice. Voice, data, email, chat, finance and accounting, analytics, these are all areas that India has focused on, and it will continue to grow. So I see no specific challenge from the Philippines. In fact, India and the Philippines should work together and go after new businesses. सही बात है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है देश में जो ग्रेजुएट्स की आर्मी इतनी ज्यादा साल दर साल बढ़ रही है, ऐसे में क्या लगता है कि हमारे पास वो जो एक पूल चाहिए, टैलेंट पूल काफी ज्यादा है, लेकिन उसे इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, क्या ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा कि जहाँ की सप्लाई है, काफी सप्लाई है, मगर हम लोग ऐसा फोकस करने का है कि मोर बिजनेस रेडी ग्रेजुएट्स हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट्स लेते हैं और फिर चार पांच महीना के तक हम लोग कंपनी के अंदर उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. आई थिंक इफ द कॉलेजेस कैन फोकस मच मोर ऑन वर्किंग विथ अस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट एंड यू नो कोर्स कंटेंट, वी कैन एक्चुअली हैव मोर पीपल कमिंग इन टू द बीपीओ बिजनेस हु आर ऑलरेडी रेडी, सो दैट यू नो दे कैन स्पेंड वन और टू वीक्स इन ट्रेनिंग एंड गो डायरेक्टली इन टू द बिजनेस. दैट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस इफ वी कैन सॉल्व दैट एंड वी आर फोकस्ड ऑन दैट. यानी ये स्टिग्मा हटा देना चाहिए कि आप बीपीओ के लिए तैयारी करें, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कहीं नौकरी नहीं मिलती, चलो बीपीओ ट्राई कर लेते हैं. क्या लगता है इस बाबत करिकुलम में कुछ चेंजेस किए जानी चाहिए, अकादमिक्स को लेकर तैयारी होनी चाहिए? काफी चेंज होने वाला है. आई कैन टेल यू देर इज गोइंग टू बी ह्यूज change in that message. BPO is the business of the future. It has the highest growth potential, it employs the smartest people, and this is the business that allows stretch opportunities and roles for youngsters. Today they work in India, tomorrow they can be in the Philippines, day after they can be in South Africa. Even with WNS, if you look at the number of people from inside our environment who have gone all over the world, which business gives you that opportunity? It is this business. सही बात है, यानी बिजनेस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मौके हैं, लेकिन सवाल ये है क्या बीपीओ को लेकर सरकार गंभीर होगी, क्योंकि इस सेक्टर में वो पोटेंशियल है कि पूरी ग्रेजुएट्स की आर्मी को अब्सॉर्ब कर सकती है. अभी के वक्त में फिलहाल जो ग्रेजुएट्स आते हैं एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसे ले रहे हैं, लेकिन हम केशव से बात कर रहे हैं, यहां बात हो चुकी है उनके कर्मभूमि की, लेकिन सबसे बड़ी वजह जिस वजह से ये ग्लोब ट्रॉटर आसमानी उड़ान लेता है, क्योंकि नीचे कोई पहले से मौजूद है जो उनकी तमाम चीजों का ध्यान रख रहा है. मिलवाएंगे उस शख्स से एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद पार्ट टॉक में आपका स्वागत है. बता दें आपको, क्रिकेट ने भले ही देश को दो विश्व कप दिया हो, क्रिकेट ने केशव को इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है. केशव, आपकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन हमको लगता है कोई एक शख्स है जो उन सभी उतार चढ़ाव में आपके साथ रहा. डेफिनेटली वैसे तो घर में मेरा बॉस तो यही है, शामिनी, और शी हैज डन अ लॉट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज एनकरेज्ड, एंड आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू वेल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन एवरी प्लेस दैट आई हैव वर्क्ड. बिल्कुल शामिनी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केशव की मुस्कान के पीछे आपकी मेहनत भी है, और सबसे बड़ी बात हमने देखी है कि तमाम जितने भी कंपनी हेड्स हुए हैं वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पीछे उनकी स्पाउस, उनकी बीवियां हमेशा रहती हैं, और काम सिर्फ घर में नहीं, घर के बाहर भी होता है. जिंदगी की शुरुआत से ही देखे केशव, आपने काफी सुबह और शाम देखे हैं जिंदगी के. पहले आप एंटीना लगा रहे थे, फिर आपने जेनसेट्स तक बेचे हैं, सबके बीच सब धूप छांव में आपके साथ शामिल ही रही है. कहीं ना कहीं आपको लगता है उनकी शख्सियत में कोई बदलाव आया है इस पूरे दौरान? आई थिंक द ओनली चेंज दैट हैज रियली कम अबाउट इज दैट हिज कैपेसिटी टू हैंडल पीपल, टू हैंडल स्ट्रेस हैज जस्ट गॉटन बेटर. And in all these years that I've known him, he's always been very calm and cool, and that continues as it is. And his ability to motivate people has always been on the increase, thanks to all this.
यानी मैन मैनेजर तो हैं केशव, जाहिर तौर पे जहां भी गए लोग पहली बात बताते हैं वो इनकी लीडरशिप की क्वालिटी है। क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे, काफी क्लोज कनेक्शन आप दोनों का रहा है। हमारा फैमिली का बेस्ट कैप सीक्रेट है ये है कि उनके फादर और मेरा फादर मद्रास के रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स थे एंड टुगेदर दे हेल्प विन द रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1958 फॉर इंडिया। सो वी वर एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर बाय आवर पेरेंट्स एंड एन अंकल ऑफ माइन एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक बैक। उनके पर्सनालिटी में कोई एक ऐसी खास बात जो आपको लगता है कम लोगों में दिखती है? आई वुड थिंक इट इज यू नो हिज कैपेसिटी टू मल्टी थिंक in the sense that you know he's able to think of three things at the same time, find solutions for all of them and take three steps ahead for each of them. Keshav bata rahe the ki company ke mutalliq bhi kafi sare kaam shamil kar rahi hain, aapne bataya tha jo social service wing hai kafi acha kaam kar ye soch rahe the ki company ke andar ye organization structure hota hai, ek aadmi boss hota hai, dusra subordinate, aur we were thinking how do we create an interesting structure such that nobody is a boss and nobody is a subordinate, everyone is equal. And Shamini came up with this brilliant idea saying that why don't you create a separate company and focus only on community projects with children using that company. So we created a new company called WNS Cares Foundation. Shamini is actually the chief mentor, and what we do is we focus on almost 23,000 children across all locations where WNS is available, and we focus on real life learning projects for young children such that as WNS is growing as a company, the community around us is also growing with us. Keshav, bas wo din yaad kijiye jab pehli baar aap chadhe the kisi ke ghar pe antenna laga rahe the, fir aapne genset bhecha, usse lekar ab tak jo aapne kaafi ek lamba daur pura kiya hai, zindagi ke safar mein aur bhi aise maqam aayenge jahan aap aur upar poonche jayenge inshaallah, lekin अभी क्या अपना when you look back किस तरह ख्याल आते हैं? This is a very interesting question and मेरे लिए ये journey बहुत interesting है. One lesson I have learned is do not ever forget your customer and never underestimate what the customer wants. While selling TVs, while selling antennas, while selling generators, and having products thrown back at me saying that you know this product is not good quality, it always taught me to be very close to the customer and understand what is the thinking of the person on the street. And I think I have used that all through my life, you know, whether it was in business, whether it was in shipping, whether it was in ITC, you know, an FMCG company, thereafter at my last company Sintel on the IT services side, and even today at WNS, I have always said that client comes first. Listen very carefully to the client, make sure you understand why you exist, and as long as you do that, you will always be very successful. To Keshav ke zindagi kai pehluon ko humne kafi kareebi taur pe jana, lekin aap jana chahenge kyunki ye khud globe trotter hain, lekin Keshav kahin bhi jate hain to apne purse mein hamesha do cheeze rakhte hain, wo kaun do cheeze hain ji Keshav? Mera ek bahut bada secret hai, mere paas ye aisa cheez hai jiske bina main ghar chhodta nahi. Abhi main dikhata hu. You will be thinking that I am looking for money inside this wallet. Actually, I have photos, obviously, of my family, my daughter, my wife, and everybody. But I'll show you a secret now. This is an emergency cell phone that my daughter drew for me and gave me when she was all of 6 years old. I still keep it with me in the wallet because this is my backup phone. And when my son was 3, after seeing that she had drawn this, he gave me an emergency telephone book, which I still keep with me. I don't leave home without this. And these are the small things that, you know, allow me to carry on my life in this format. तो जिंदगी की लंबी सफर में इन छोटी खुशियों से ही लोग बड़े बनते हैं, कम से कम केशव की जिंदगी में हम यही देखते हैं। जाहिर तौर पे केशव, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और लंबी उड़ाने लें आप, क्योंकि ग्लोब ट्रॉटर तो आप हैं ही। और हमने जाना है कि आपने अकेले में काफी कुछ कॉफी ब्रूइंग करते हैं, और फिल्टर कॉफी के आप काफी शौकीन है। हाँ, मैं तो
ग्लोब के हर जगह से कॉफी लेके आता हूं. आई एम द बेस्ट फिल्टर कॉफी मेकर. आई मेक द बेस्ट कैपुचिनो कॉफी. आई मेक द बेस्ट कोलंबियन कॉफी. एंड आई हैव एटलीस्ट 6 or 8 कॉफी मशीन्स टू हेल्प मी. सो एट माई होम nobody can touch those machines or the coffee. I alone will make it, just as I made for you a little while ago. Yani Keshav ki ye khud ki hasrat hai ki ye jo bhi kuch kaam kar rahe hain kal ko bhavishya mein khuda na khasta isi zarurat pade to wo coffee shop kholne wale hain pakka. Chaliye coffee shop khulegi tumhe pata hai kaun kaun aane wala hai. Behrhal is safar ko yahi denge viram, halanki inka safar aage bhi badhega. Agle hafte ek aur shakhsiyat ko lekar aapke samne hazir honge. Tab tak ke liye aap bani rahe TV9 ke sath.